अपसाइड देख ली है, मुझे फिलहाल नियर टर्म में ज्यादा अपसाइड नजर नहीं आ रही है। 4300 पे क्रूड ऑयल जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग पोजीशन लेनी चाहिए, 4340 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 4210 के टारगेट्स के लिए ये हफ्ते में आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी है क्रूड पर। वहीं बेस मेटल्स पर भी एक आउटलुक ले लेते हैं। बेस मेटल्स हमने देखा था कि पिछले हफ्ते काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली थी, उसके बाद आज थोड़ा सा दबाव बन रहा है, और जो कारण हमने क्रूड के लिए जिक्र किया सिमिलर उसी कारण की वजह से वही इम्पैक्ट हम मेटल्स कीमतों में देख रहे हैं। लेकिन निकल और जिंक अगर इन दोनों को देखें तो आज करीब 0.5% के आसपास की वीकनेस बनी हुई है। वहीं अगर आप देखें कॉपर को तो यहाँ भी जो बायस है वो नेगेटिव ही बना हुआ है। तो सुस्ती है थोड़ी सी आज बेस मेटल्स में, निकल हो, जिंक हो या फिर कॉपर हो। मंदी की तरफ ट्रेड लेना है, खरीदने हैं या फिर अवॉइड करने हैं? आई थिंक मेटल्स में मेरा आउटलुक पॉजिटिव ही है, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी क्रिसमस स्टार्ट हो गया है। इन अ थिन ट्रेडिंग ये जनरली ये टाइम में विदाउट लिक्विडिटी ऊपर या नीचे होता रहता है, बट ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड का ही लग रहा है। सबसे अच्छा मुझे फिलहाल लेड लग रहा है, लेड आप 153 में लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट कर सकते हो 156 के टारगेट्स के लिए, और 150 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और इवन दो कॉपर 430 से बढ़ के 445 हुआ और अभी आज करेक्शन आके 440 आया है, मुझे लग रहा है इवन कॉपर इज वेरी अट्रैक्टिव। 440 में आप बाइंग कर सकते हो, 430-750 का स्टॉप लगा के, और फिर से आपको 445-446 के लेवल कॉपर में भी दिख सकते हैं। ठीक है, तो 437 के स्टॉप लॉस के साथ कॉपर में खरीदारी की पोजीशंस बना सकते हैं, लाइकली टारगेट 445-446 के हो सकते हैं, और लेड में भी बाय करने की ही सलाह है कुणाल की। लेकिन अब थोड़ी सी बात एग्री कमोडिटीज पर कर लेते हैं और चने पर फोकस करेंगे। हमने देखा था पिछले हफ्ते भी तेजी का मूड बना हुआ था और आज भी अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम तेजी का ही है। 74 रुपए ऊपर चला ट्रेड कर और ये लगातार 8वां सेशन है जब तेजी बन रही है। दरअसल मटर की जो एमईपी तय करने की बात हो रही है, साथ ही जो चने की बुआई में कमी है उससे कीमतों को सहारा मिल रहा है, और एनसीडीएक्स पर आप देखिए दाम फिर 4500 के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। क्या व्यू है आपका चने पर कुणाल? तेजी की पोजीशंस जिनके पास हो वो मुनाफा ले ले यहाँ पर या फिर रखें होल्ड अभी भी? मुझे लग रहा है कि चने में फंडामेंटल तेजी की ही है, और जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट का किया, और डोमेस्टिक सिनेरियो देख के भी लग रहा है कि चना यहाँ पे बढ़ेगा, और 4500 के आसपास आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में। ऊपर में आपको 4640 तक के लेवल्स ये हफ्ते में देखने मिल सकते हैं। एक क्विकली आउटलुक आपका कपास खली पर भी चाहिए, यहाँ पे एक अच्छा खासा एक्शन है, वायदा में भी इसके दाम 2% तक ऊपर बने हुए हैं, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी है? आई थिंक कपास खली में भी ट्रेंड ऊपर का ही लग रहा है, और मुझे लग रहा है मौजूदा स्तरों से ये हफ्ते में आपको और 2-3% की अपसाइड देखने मिलेगी, और कपास भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको 1145-1150 तक के लेवल ट्रेड करते हुए देखने मिलेंगे। एक बार क्विकली पूरे एडिबल ऑयल सेगमेंट को देख लेते हैं क्योंकि वहां से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट खबर भी आ रही है जिसके बारे में हम आपको भी डिटेल्स देंगे भी। ऑलरेडी हमने देखा भी था कि खाने के तेलों में अच्छा खासा तेजी का मूड पिछले काफी समय से बना हुआ है, और आप देखिए मस्टर्ड सीड 34 रुपए ऊपर है, 0.1% की मजबूती बनी हुई है। इसके अलावा सीपीओ या फिर आप बाकी ऑयल देखेंगे तो वहां भी जो रुझान है वो पॉजिटिव ही बना है। सोयाबीन आप देखिए 1% ऊपर ट्रेड करा है। दरअसल एनआरसी पर मलेशिया के राष्ट्रपति का बयान खाने पीने के तेल में आग लगा सकता है। दरअसल सरकार पाम ऑयल पर ड्यूटी घटाने की तैयारी कर रही थी लेकिन शायद अब ऐसा ना हो। इसी खबर पर बातचीत करने के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ है, उनसे क्विकली पहले खबर पूछ लेते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजी भी समझेंगे। असीम बताइए क्या खबर है एग्जैक्टली खाने के तेलों से जुड़ी? देखिए खाने के तेलों के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले अगर 2 महीने की बात करूं तो रिटेल में 10-15% दाम जो है वो बढ़ गए, और पिछले अगर मैं एक साल की बात करूं तो पिछले एक साल के अंदर दाम जो है करीबन 8% से लेकर के 40% तक जो है बढ़ गए। खासतौर पर इसमें पाम ऑयल का दाम जो है सबसे ज़्यादा बढ़ा है, पाम ऑयल का दाम जो है 40% के आसपास जो है वो बढ़ा है। 518 डॉलर के आसपास था पिछले साल, लेकिन इस साल बढ़ करके ये 700 डॉलर के आसपास जो है वो पहुँच गया। मलेशिया में इस बार जो है उत्पादन जो है
काफी कम हुआ है, वहां की सरकार ने इसको देखते हुए वहां पे एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो भी लगा दी है, तो इसका असर जो है घरेलू बाजार के ऊपर भी जो है देखने को मिल रहा है। घरेलू बाजार में दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार जो है इसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने की तैयारी जो है वो भी कर रही थी। कई तरह से चल रहा था कि सरकार 5% ड्यूटी जो है घटा देगी, लेकिन जिस तरह से मलेशिया के पीएम का एनआरसी के ऊपर बयान आया तो वो और भारत ने उसका कड़ा विरोध जो है वो जताया। भारत ने जो मलेशिया के राजदूत है उसको बुला करके उनके सामने कड़ा विरोध जो है उनके बयान का दर्ज किया, तो इसका कहीं ना कहीं असर जो है भारत और मलेशिया के व्यापारिक रिश्तों के ऊपर देखने को जो है वो भी मिल सकता है। मलेशिया से आने वाले जो पाम ऑयल है उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी की कटौती जो है सरकार अभी फिलहाल जो है ना करे, इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो टाल दे, तो इसका असर जो है घरेलू बाजार के ऊपर जो है वो देखने को मिला। आने वाले दिनों में घरेलू बाजार में खाने के तेल के दाम जो है और बढ़ सकते हैं। शुक्रिया सीम ये आउटलुक देने के लिए। संक्षेप में कुणाल, समय की कमी है, खाने के तेलों में ऑलरेडी हमने मोमेंटम देखा है, सीपी ऑलरेडी काफी अच्छी तेजी दिखाने बाद अब कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अभी अगर कोई रणनीति बनानी हो तो कन्वेक्शन किसके साथ है? आई थिंक सोया ऑयल अभी भी कैचअप कर सकता है, स्टिल अंडर परफॉर्मर ही है एज कम्पेयर टू सीपीओ। आप 910 रुपये में बाय करके ऊपर में 917 918 के टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं और 905 रुपये का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, 905 के स्टॉप लॉस के साथ सोया ऑयल में खरीदारी करने की सलाह है। अभी भी आप देखिए 1.5% के आसपास की मजबूती बन रही है। शुक्रिया कुणाल ये स्ट्रैटेजीज बताने के लिए, और इसी के साथ कमोडिटी राउंडअप में इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार। स्टील प्रेजेंट्स मजबूत स्टॉक्स ऑफ द डे।